अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं ईद के थर्ड डे का व्लॉग, और आज मैंने अपने घर में रखी हूँ दावत अपने मायके वालों की। मेरे भाई, भाभी, मम्मी, खाला, उनकी बहू, मुमानी, उनके बेटे, बहू, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं माशाल्लाह मेरे मायके के यहाँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो है दावत व्लॉग, लेकिन बस मैं रेसिपीज़ ही नहीं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज का व्लॉग जो है वो है एक ट्विस्ट के साथ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब भी मैं कोई दावत प्लान करती हूं तो मैं किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करती हूं, प्लानिंग करती हूं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी। इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके ना आप भी एक मेमोरेबल दावत प्लान कर सकते हैं, जो ना ही सिर्फ स्ट्रेस फ्री होगी बल्कि आपके गेस्ट को एकदम सैटिस्फाइड और इम्प्रेस कर देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप है गेस्ट लिस्ट, मेन्यू प्लानिंग एंड ग्रॉसरी शॉपिंग। देखिए, जब भी घर में कोई दावत होती है ना, हम सब एक साथ बैठते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने लोगों को बुलाना है, कौन कौन आएगा। तो जब नंबर ऑफ गेस्ट हमें पता चल जाते हैं तो उसी हिसाब से मैं लिस्ट बनाती हूँ कि क्या क्या मेन्यू रहेगा, और फिर उसके बाद जो है हमारे घर में क्या सामान अवेलेबल है ग्रॉसरी का, क्या नहीं है, फिर हम ग्रॉसरी शॉपिंग उसी हिसाब से करके लेके आते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी दावत को प्लान करने का। तुम एक काम करो, पाया, नेहारी, पसंदा, बोटी कबाब, मिक्स वेजिटेबल, बिरयानी और पनीर और क्या नाम है, आलू पालक। आप सो जाइए, रुको ना, वो शाही पनीर, सो जाइए, सो जाइए। एक करी और हलीम पलक। अब्बा को लग रहा है रोजा लग गया 30 रोजा आप जाके निकल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है मेक स्वीट डिश वन डे बिफोर। मीठा एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हम एक दिन पहले बना के आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मीठे में रहेगी केवामी सेवई, क्योंकि ईद का टाइम है और सब लोगों को ना मेरे हाथ की ये वाली केवामी सेवई बहुत पसंद आती है। तो देखिए, पीछे बलाई मैंने चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे खोया भून रही हूँ, और जो ईद के टाइम मैंने बनाई थी ना सेवई, वो पूरी ख़त्म हो गई माशाल्लाह से, इतने लोग आए थे। ये दोबारा से मैं बना रही हूँ, तो ये जो सेवई है ना, ये मैंने एक दिन पहले बना के बिल्कुल रेडी कर दी थी। थर्ड स्टेप है डू ऑल द मैरिनेशन वर्क वन और टू डे बिफोर। कुकिंग का जो है ना एक स्केड्यूल बनाना पड़ता है। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो हम एडवांस में बना के रख सकते हैं। तो मैं है ना यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ पेरी पेरी चिकन स्टिक्स। मैंने यहाँ पे ली हूँ 2 किलो बोनलेस चिकन, और उसको है ना इस तरह से थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। पानी अच्छी तरह से पूरा ड्रेन हो चुका है। ये देखिए, ये एक बड़ी प्याज है जिसको मैं एकदम रफली ऐसे ही मोटा मोटा चॉप कर दूंगी, क्योंकि मैं इसको पीसने वाली हूँ। और ये है शिमला मिर्च रेड कलर की, और ये ना पेरी पेरी चिकन स्टिक्स हैं, तो इसमें रेड शिमला मिर्च ही चाहिए ताकि इससे कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा मसाला भी बनेगा। तो ये भी मैं एक मीडियम साइज़ की लेके चॉप कर ली हूँ। 15 से 20 लहसुन की कलियाँ जाएंगी इसमें, और 1.5 टेबल स्पून भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और जो पापरिका पाउडर आता है ना वो भी हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून भर के, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो और 1 टेबल स्पून शुगर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर, ये जो व्हाइट विनेगर आता है ना वही है, तो ये 2 टेबलस्पून जाएगा, और 3 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके बाद हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, या कोई भी ऑयल जो आपके पास हो, तो 1/4 कप ऑलिव ऑयल मैंने इसमें ऐड करी हूँ। उसके बाद सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैरिनेशन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने खड़ा लाल मिर्चा गर्म पानी में भिगाई थी ना, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी 10 से 12, और उसके बाद 1 मुट्ठी भर के जो है वो धनिया की पत्ती, मतलब कोतमीर। अब इन सब को जो है हम लोग मिक्सर में पीस लेंगे, बहुत अच्छा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को चिकन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और नमक मिर्चा भी है ना अभी आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कितना सिंपल और इजी मैरिनेशन है, सारी रेडीमेड चीज़ें हैं, बस उठा के मिक्सर में पीस देना है और मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी हो गया हमारा फर्स्ट मैरिनेशन और फर्स्ट स्टार्टर्स। अब यहाँ पे सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी हो रही है, तो ये पसंदे का मैरिनेशन मैं कर रही हूँ। पसंदे की जो बोटी होती है ना, उसे ठोक के, मतलब हैमर से वैसे मैरिनेट करना होता है, तो अच्छा मैरिनेशन होता है। ये 2 किलो बोनलेस मटन है पसंदे की बोटी, तो इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाली हूँ, और 1.5 टेबल स्पून भर के भुना हुआ जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो मैं इसमें 4 टेबलस्पून भर भर के डाल दी हूँ। नेक्स्ट इसमें मैंने डाली हूँ 3 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, तो मिर्चा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और यहाँ देखिए, मटन को गलाने के लिए ना मैं मीट टेंडराइजर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कच्चा पपैया का पेस्ट भी डाल सकते हैं।
तो इसको जो है मैं 3 टेबलस्पून भर के डालती हूँ और 2 कप हंग कर्ड डाल रही हूँ, मतलब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, थिक दही है ये 2 कप और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस उसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर दीजिए हाथ से, एक एक बोटी पे अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जानी चाहिए। एकदम सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। और लेकिन इसको जो है ना एक दिन पहले मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी है ओवरनाइट, वरना टेस्ट में जो है ना इतनी अच्छी बनेगी नहीं, ड्राई बनेगी। तो बस इसको मैंने कवर कर दी हूँ क्लिंग रैप से और उसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। आ जाते हैं बैक टू दावत डे और यहाँ पे हस्बैंड ने आरिस को नहला के रेडी कर दिए हैं। ये जो दावत का व्लॉग आप देख रहे हैं ना, ये फ्राइडे के दिन का है, तो हस्बैंड और बच्चे सब नहा के रेडी हो गए हैं और अब जा रहे हैं जुमा की नमाज पढ़ने के लिए। अभी बज रहा है 12:30 और दावत के दिन जो है ना वो आप लोग तो पता ही होगा कि थोड़ा पहले से लगना पड़ता है और स्पेशली जब वीडियो भी साथ में शूट करना हो तो टाइम डबल लग जाता है, तो इसलिए मैंने जल्दी काम स्टार्ट कर दी हूँ। बहरहाल यहाँ पे है ना मैंने आलू रख दी हूँ बॉईल होने के लिए, जब तक यहाँ आलू बॉईल होगा जब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। जब तक वहाँ आलू बॉईल हो रहे थे मैंने सूरह कहफ पढ़ ली और जुमा की नमाज भी मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है गेट योर होम रेडी। दावत के टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मेहमानों के आने से पहले करते हैं, जैसे कि सारे रूम की बेडशीट बदलना या फिर बाथरूम के सामने जो रग्स रखते हैं वो चेंज करना या फिर सिंपली जो गेस्ट वॉशरूम है ना उसमें टिश्यू वगैरह का अरेंजमेंट करना। सबके घर का अलग अलग हिसाब होता है, तो जो भी आप करते हैं गेस्ट के आने से पहले वो आप शुरू में ही कर लीजिए, क्योंकि एक दफ़ा आप किचन में घुस जाएंगे पकाने के लिए तो उसके बाद निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट योर डिशेस। किचन में घुसने से पहले ये वाला स्टेप आप ज़रूर कर लीजिएगा, यकीन मानिए इतनी आसानी हो जाती है। देखिए मेन्यू तो आपका बना हुआ है, आपको पता है कि आप कितने नंबर ऑफ आइटम्स बनाने वाले हैं, उसी हिसाब से आप डिशेस निकाल लीजिए कि आप किस में क्या सर्व करने वाले हैं, जैसे कि राइस किस में सर्व करेंगे, तो ग्रेवी किस में सर्व करेंगे, स्वीट डिश किस में सर्व करेंगे। तो ऐसा करने से जो है ना आप लास्ट मिनट की भाग दौड़ से बच जाएंगे। एक बार आपकी डिशेस डिसाइड हो जाएं तो फिर आप उसके ऊपर ना रफली खाली नाम लिख दीजिए कि राइस, चिकन, मटन, स्वीट डिश, स्टार्टर्स, एपटाइज़र, जो भी है आप सब लिख दीजिए रफली ऐसे ही और उनको उनकी डिशेस में डाल दीजिए। तो क्या होता है कि जो भी आपके साथ दावत के टाइम पे हेल्प करेगा, जैसे मेरे साथ मेरी भाभी खड़ी रहती हैं, तो उनको मुझे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये किस में निकालूँ वो किस में निकालूँ, इसमें सब लिखा हुआ है वो देख लेती हैं और समझ जाती हैं और जो है ना जो भी डिशेज़ जिसमें निकालनी है वो निकाल देती हैं। तो आप तो गेस्ट को अटेंड करने में बिजी रहते हैं तो ऐसे ना सामने वाला पर्सन भी परेशान नहीं होगा, उसके लिए भी आसानी हो जाएगी और आपके लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप जो है करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट मेन कुकिंग। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी हूँ मेन कुकिंग, तो सबसे पहले जो है ना वो मैं बना रही हूँ हरा भरा कबाब, ये है स्टार्टर्स और जिसके लिए मैंने ली हूँ 3 बंडल पालक की और 1/2 किलो हरी मटर, तो ये फ्रोजन ग्रीन पीस है। थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम बॉईल करेंगे बस 3 मिनट के लिए। जब तक वहाँ पे पालक और हरी मटर ब्लांच हो रही है यहाँ पे मैं ग्रीन बीन्स को वॉश करके रख दूंगी पानी ड्रेन होने के लिए। तो ये 1 कप ग्रीन बीन्स है, ये देखिए इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ गया था, तो ये साइड वाले बर्तन पे ना मैंने पानी में बर्फ़ डाल के रख दी थी और ये जितना भी पालक और हरी मटर है ना इसे हमें ठंडे पानी में निकालना है। ऐसा करने से जो इसका ग्रीन कलर है ना वो ग्रीन ही रहेगा, बदरंगा नहीं हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए हमें पालक और मटर को ठंडे पानी में छोड़ना है, जब तक यहाँ पर मैं बीन्स को चॉप कर लूँगी। बस इतना ही बारीक हमें बीन्स चॉप चाहिए और ये देखिए जो ठंडे पानी में पालक और मटर रखे थे ना आप उसे हल्के हाथ से दबा के निकाल लीजिए और उसे भी ना सेम चॉपर में पीस लीजिए। अब उसी चॉपर में हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, इन तीनों ही को मोटा मोटा पीस लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि टाइम बचाने के लिए किचन में अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वेस्ट करिए। ये देखिए 1 मिनट में सारा कटिंग वाला काम हो गया। रेडी हो गई? यस। और यहाँ पे देखिए फलक भी आ गई है नहा के नमाज पढ़ के, और ये वाला जो ड्रेस है ना ये मेरी फ्रेंड ने फलक को गिफ्ट करी थी ईद पे
और इतना अच्छा मुझे लग रहा था। इसके नीचे जो है ना गरारा है और इस पे ना छोटे छोटे बीड्स वगैरह लटक रहे हैं, तो सिंपल है कॉटन का लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप है टेक हेल्प फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। दावत हो या नॉर्मल डेज हो, हमें अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ टीम वर्क। छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं देखने में लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो बस फलक यहाँ पे आ गई है हरी मिर्ची की डंठल साफ़ करके देगी और मैं यहाँ स्टार्ट कर दी हूँ अपनी कुकिंग। तो पैन में मैंने डाली हूँ ऑयल और जैसे ही ना ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ उसके अंदर मैंने डाल दी हूँ ज़ीरा। 1 teaspoon जीरा डाल दीजिए और उसके बाद जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची हम लोगों ने पीसा था उसको बस 2 से 3 minutes के लिए हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने बीन्स चॉप करके रखे थे चॉपर में वो डाल देंगे और बीन्स को भी जो है ना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो 3 से 4 minutes के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद जो हरी मटर और पालक हम लोगों ने चॉपर में पीसे थे वो भी ऐड कर देंगे और इसमें जो है ना पानी बहुत रिलीज़ होगा, तो पानी अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon काला नमक और फिर नॉर्मल सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको अच्छी तरह से ना आप मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर करिएगा कि पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं होना चाहिए वरना कबाब जो है ना वो टूटने लगेगा। एक बार जब पूरा पानी सूख जाएगा तो इसमें 4 tablespoon कॉर्नफ्लावर और 8 tablespoon ब्रेड क्रम्स डाल दीजिएगा। और जो आलू हम लोग ने स्टार्टिंग में बॉईल किए थे ना वो भी एकदम ठंडा हो गया है, तो उसको भी हम मोटी तरफ से ना कद्दूकश करके डाल देंगे। मेक श्योर करिएगा कि आलू एकदम ठंडा हो वरना ये बैटर गीला हो जाएगा। इसमें जो ब्रेड क्रम्स कॉर्नफ्लावर और आलू है ना ये बाइंडिंग का काम करेगा। अब बस इसको है ना हाथ से बॉल बना के देखिए, अगर टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका बैटर एकदम परफेक्ट है कबाब बनाने के लिए। क्या करना? कबाब कैसा? कबाब की शेप का वो सब हमसे नहीं बनता। क्या बनता है आपसे? तब और यहाँ पे हस्बैंड को मैंने बैठा दी थी कि कबाब बना दीजिए, साथ में फलक भी आ गई थी। ये जो हरा भरा कबाब है ना इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर जो है ना एक काजू का टुकड़ा लगाया जाता है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन अगर आप लगाएंगे ना तो इस कबाब में 4 चांद लग जाएंगे। एक काजू को ना हाफ में ब्रेक कर दीजिएगा और हाफ ऑफ काजू हर कबाब पे लगाइएगा। पहले फ्रेंड लोग से मिलवाना चाहिए, हम लोग ईदी दे देते ना उन लोग को। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी हूँ मेन कोर्स की तैयारी जो है मटन निहारी, और साथ में ना दम का चिकन भी मैंने बनाई हूँ लेकिन है ना उसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी और टाइम भी बहुत लग रहा था। तो बस जल्दी से इंस्टेंट पॉट में मैंने डाल दी हूँ तेल और उसमें जो है प्याज डाल दी हूँ। जैसे ही प्याज गोल्डन हो गई ना तो उसमें मैंने डाल दी 2 kilo मटन। और है ना निहारी बनाने के लिए आप बोचरी शॉप से ना अलग से बोल के लीजिए कि निहारी बनाना है, तो उसके पीसेज एकदम अलग रहते हैं तो मटन बहुत अच्छा बनता है। बहरहाल गोश्त में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने भूनने के लिए ढक्कन लगा के रख दी। और जब तक वहाँ पे गोश्त भून रहा है यहाँ पे जो हम लोग आटा डालते हैं ना निहारी में उसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो मैं आधा आटा और आधा बेसन लेती हूँ। और ये जो पीछे कुकर आप देख रहे हैं ना इसके अंदर मैंने हड्डी रखी हूँ निहारी के लिए। मटन यहाँ पे भून गया था तो उसमें मैंने हल्दी पाउडर डाली हूँ 1 teaspoon, तीखी वाली रेड चिली पाउडर 2 teaspoon और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 teaspoon कलर के लिए, और 4 teaspoon धनिया पाउडर और 1 teaspoon भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। अब है ना इसके अंदर मैं ये शान का जो निहारी मसाला का पैकेट आता है ना वो पूरा 1 डाल दूंगी। इसमें तो लिखा रहता है 1 kilo में 1 packet डालो लेकिन हमें बहुत तेज़ लगता है तो मैं 2 kilo में 1 packet डालती हूँ और नमक ऐड कर दी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब बस जैसे हम लोग गोश्त को भूनते हैं वैसे ही जो है इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए जो पेरी पेरी चिकन मैरिनेट किया था हम लोगों ने तो उसको है ना हस्बैंड यहाँ स्टिक्स में लगा रहे हैं। और स्टिक्स में लगाने से पहले जो है ना इन सारी स्टिक्स को आप ज़रूर से पानी में भिगा दीजिएगा, तो जब आप फ्राई करेंगे इसको डीप फ्राई करेंगे ना ऑयल में तो फिर जो है ये स्टिक्स जलेंगी नहीं, वैसी की वैसी ही रहेंगी। मटन अच्छी तरह से भून गया है तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको है ना मैं प्रेशर कुक कर दूंगी। तो ये तो इंस्टेंट पॉट है, अपने से जो है सेंसर करके कुक कर लेगा। हाँ
जो पसंदा हम लोगों ने मैरिनेट किया था, तो अब उसकी बारी आती है क्योंकि पसंदा को भी गलने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे एक हैवी बॉटम का पैन लेके उसमें मैंने डाल दी हूँ ऑयल, और जो मैरिनेटेड पसंदा था वो पूरा इसके अंदर मैंने डाल दी हूँ। 5 से 6 मिनट के लिए पहले मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे भूनी, और है ना जब ये अच्छी तरह से भून गया तो फिर बस ढक्कन लगा के इसको मैंने छोड़ दी जब तक ये गल ना जाए। अब यहाँ पे है ना मैं बटर पनीर मसाला बना रही हूँ बच्चों के लिए। पैन में ऑयल डाली और उसमें गरम मसाला, खड़ा और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें डाल दी। हरी मिर्ची तोड़ के, खड़ा लाल मिर्चा, काजू, बादाम और 4 टमाटर मोटे मोटे चॉप किए हुए, और 4 प्याज वो भी मोटी मोटी चॉप की हुई। इन सभी चीज़ों को ना मैं मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ये सॉफ्ट और पल्पी ना हो जाए। उसके बाद इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में। अब उसी सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल और बटर डाल के इस पेस्ट को मैंने डाल दी हूँ, और इसको मीडियम फ्लेम पे बस 3 से 4 मिनट के लिए और भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए जो मटन निहारी हम लोगों ने इंस्टेंट पॉट में रखे थे ना, वो अच्छी तरह से कुक हो गई थी, तो हस्बैंड ने उसको एक बड़े से बर्तन में पलट दिए हैं। और जो कुकर में हम लोगों ने हड्डी रखे थे बॉयल होने के लिए, उसमें से अच्छा सूप निकल आया है। तो ये स्ट्रेनर हम लोग पहले हटा देंगे, इसमें अदरक लहसुन प्याज और सब खड़ा गरम मसाला मैंने डाली थी ताकि उसको निकालना मुश्किल ना हो। तो हड्डी समेत इस सूप को हम डाल देंगे पॉट में, और साथ में जो बेसन भुने थे ना उसका भी मैंने घोल बना के रेडी कर ली थी, तो वो घोल भी डाल दी हूँ। अब हम इसे एक बॉयल आने के लिए रख देंगे। मीनवाइल देखिए यहाँ पे बटर पनीर मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, तो इसमें है ना कसूरी मेथी मैंने हाथ से मसल के डाल दी हूँ, और नमक तो मैं भूल ही गई थी, अच्छा हुआ याद आ गया, वरना मेहमानों को बिना नमक के बटर पनीर मसाला खाना पड़ता। अच्छा सबसे एंड में ना मैं इसमें डाल रही हूँ बिना फ्राई की हुई पनीर, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ना ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है बिना फ्राई की हुई पनीर ही पसंद है। एनीवेज इट्स योर चॉइस। इसको ना अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, 1 मिनट पका के फिर गैस बंद कर दूँगी। इसमें क्रीम वगैरह जो है ना मैं अभी नहीं डालूँगी, जब मैं इसको सर्व करूँगी ना तब गार्निशिंग के लिए ऊपर से डालूँगी। अच्छा यहाँ देखिए पसंदा भी ना एकदम अच्छी तरह से गल गया है, तो सबसे एंड में इसमें मैंने ब्राउन प्याज और जो हम लोग शीरकुरमे में चिरौंजी डालते हैं ना वो दोनों ही चीज़ों को पीस के डाल दी हूँ। आप चाहे तो भुना हुआ चना ये भी ऐड कर सकते हैं, और ना जब थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहेगा तभी डाल दीजिएगा, तब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोटिंग अच्छे से हो जाएगी। एकदम ड्राई हो जाएगा ना तो इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यह हमारा पसंदा हो गया है रेडी। अब यहाँ पे सबसे लास्ट आइटम बन रहा है जो कि है राइस, और है ना आज जो मैं राइस बना रही हूँ ना उसका नाम हस्बैंड ने रखे हैं धोखा राइस। एक्चुअली क्या हुआ, ये है ना नॉर्मल राइस की तरह बनता है लेकिन इसमें ना कलर डाल दिया जाता है, तो हस्बैंड को लगा कि बिरयानी है कि क्या है, लेकिन जब वो खाए तो उसमें ना गोश्त था ना कुछ, तो इसलिए वो बोलते हैं ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, तो इसलिए उन्होंने रखा है इसका नाम धोखा राइस। बहरहाल इसको ना नॉर्मली हम लोग जैसे बनाते ना वही बनाना है, घी में ज़ीरा, खड़ा गर्म मसाला डाल के प्याज जैसी गोल्डन हो जाएगी तो अदरक लहसुन डालना है, और फिर उसके बाद गर्म पानी डाल के और फिर हम लोग उसको चावल डाल के पका लेना है, और फिर है ना आप इसमें कलर डाल लीजिए, तो मैंने ब्लू और रेड कलर डाली हूँ, थोड़ा सा ग्रीन भी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए कितना कलरफुल राइस एकदम रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है गेट योरसेल्फ रेडी बिफोर गेस्ट अराइव। मेहमानों के आने से पहले हमें किचन समेट लेना है और अच्छी तरह से ना ड्रेसअप हो जाना है, क्योंकि ना जब मेहमान आएंगे और हम लोग खस्ता हाल में रहेंगे तो मेहमान देख के भी परेशान हो जाएंगे बेचारे कि उनकी वजह से हमें इतनी परेशानी हुई। अब जाहिर सी बात है जो किचन में पका रहा है उसे थोड़ी बहुत थकान तो हो ही जाती है, सुबह से लगा रहता है, लेकिन ये हमें शो करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ हम बहुत थक गए हैं। नहा के एकदम रेडी हो जाइए ताकि एकदम मेहमानों के सामने फ्रेश लुक आए। तो ना जब तक मैं गई थी फ्रेश होने के लिए, तो ज़ैम से मैंने कहा था तुम डाइनिंग टेबल पर से जो भी डिशेज़ है ना जिसमें मैं सर्व करूँगी उसको किचन में रख देना और इस टेबल को अच्छी तरह से सेट कर देना। तो बस ज़ैम ने यहाँ पे डाइनिंग टेबल को सेट कर दिया है। फ्रेश होने से पहले ना किचन को भी मैंने एकदम नीट कर दी थी। देखिए इस बर्तन में सबसे राइट साइड में सेवई हैं, फिर इसमें हैं चावल, रेड पॉट में है दम का चिकन, और इस पैन में मैं फ्राई करूँगी हरा भरा कबाब, पीछे है पसंदा, बटर पनीर मसाला, पुदीना और ब्राउन प्याज गार्निशिंग के लिए, और स्पॉट में है निहारी, धनिया की पत्ती है गार्निशिंग के लिए इसमें, और यहाँ पे है सर्विंग डिशेस, और है ना थोड़ी सी पुदीने की चटनी भी मैंने बना दी थी जो हरा भरा कबाब के साथ जाती है, और साथ में ऑनियन रिंग्स और यहाँ पे फ्राई करने वाला कबाब। अब है ना यहाँ पे मैंने तलने वाला काम स्टार्ट कर दी थी जो कि एकदम एंड में होता है ताकि एकदम गर्मा गर्म मिले मेहमानों को।
तो ये जो हरा भरा कबाब है ना, इसको आप शैलो फ्राई करिए, और ये जो चिकन स्टिक्स है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा तेल में आप फ्राई करिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ना, जितने मेहमान आने वाले हैं सबको फ़ोन लगाया कहाँ पहुँचे, तो पता चला बस पहुँचने ही वाले हैं। तो हस्बैंड चले गए थे रोटी लेने के लिए, उन्होंने कहा तुम तलने वाला काम स्टार्ट करो, मैं रोटी लेके आता हूँ। तो वही अभी आए हैं रोटी लेके, तो गरम कपड़े में ना लपेट के मैंने रख दी हूँ। और ये जो कबाब है ना हरा भरा, इसको आप तेज़ आँच पे तलिएगा, जैसे ही एक तरफ से ना कलर पकड़ेगा तब आप उसको दूसरी तरफ पलटिएगा। फौरन पलटेंगे तो भी टूट जाएगा, और धीरे आँच पे तलेंगे तो भी टूट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेलकम योर गेस्ट विद अ स्माइल। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई आ गया है और सारे मेहमान जो है वो आना स्टार्ट हो गए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बना रहे हैं? आ जाओ आ जाओ। अल्लाह बंदा है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अलीजा? ठीक है। वाओ मस्त लग रहा है गाउन। किसकी है ये चॉइस? यहाँ पे देखिए हस्बैंड का जो पेरी पेरी चिकन स्टिक्स है ना, उसका एक बैच फ्राई हो गया है, और यहाँ पे हरा भरा कबाब का भी पहला बैच रेडी है। बल्कि ना एक एक बोल के लोगों ने तीन तीन उठाया, इतना पसंद आया लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गई। हाँ इनका फेवरेट सब्जियों वाला कबाब। सो फाइनली यहाँ पे ना डाइनिंग टेबल एकदम अच्छी तरह से रेडी हो गया था, मैंने सब चीज़ डिश आउट कर दी थी। और ना ये देखिए बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से सबका टैग लगाए हुए हैं डिश पर, पेरी पेरी चिकन और ये हरा भरा कबाब, पीछे पुदीने की चटनी और लेमन है पसंदे पे डाल के खाने के लिए, ये बटर पनीर मसाला, इसके ऊपर ना लास्ट में मैंने क्रीम डाल दी थी गार्निशिंग के लिए, और ये पसंदा है इस पर मैंने ऑनियन रिंग्स और धनिया की पत्ती डाल दी थी। और ना इसको इन लोग ने गलत लिख दिए हैं धुआं चिकन, एक्चुअली ये दम का चिकन है, कोई बात नहीं। और ये है नल्ली निहारी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भी। और ना ये फलक और अलीजा की आइडिया थी। ये लीजिए चटनी लीजिए, लेमन लीजिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आते ही ना भाभी किचन संभाल ली है, मतलब जो भी डिशेस में रिफ़िल करने वाला काम है ना वो भाभी कर रही थी यहाँ बैठ के, क्योंकि मैं बाहर बैठी थी मेहमानों को अटेंड कर रही थी। और यहाँ पे ज़ैम सब लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा है, तो मैंने वही मोहितो बनाई थी, मिंट मोहितो, सबको बहुत पसंद आता है। और तो मेहंदी लगाई क्या? स्टिकर वाली के कौन? स्टिकर वाली। अच्छा ये देखिए धोखा राइस, देखने में भी अच्छा और खाने में भी, ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे ही आदमी लोग खा के उठे ना, तो फिर उसके बाद औरतें और बच्चे भी बैठ गए थे खाने के लिए। यहाँ मम्मी खिला रही हैं आरिस को। थैंक यू। वी हैड अ लवली ईद पार्टी। आयरा व्हाट इज ऑन योर हेड? व्हाट इज ऑन योर हेड आयरा? टियारा। अब आती है डेजर्ट की बारी। तो ना हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने भेजा था केक, वो और केवामी सेवई, दो चीज थी। एक नंबर। सब लोगों को केवामी सेवई बहुत पसंद आई, शीर खुरमा कोई पूछता ही नहीं हमारे यहाँ। ये सुभान, अरे छोड़ दो, अपना ही खाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिव टाइम टू योर गेस्ट। गेस्ट को ना अच्छी तरह से टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए, इससे हमारा ही स्ट्रेस नहीं रिलीफ होता, उन्हें भी अच्छा फील होता है। मुबारक। ईद मुबारक। हुमायूं मामू का
ईद मुबारक ईद मुबारक